ये है हाल एयरपोर्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक। सामान पैकिंग है, तैयारी है, अब निकलने वाले हैं हम लोग। तो सब पैकिंग चल रहा है अबू का सामान का, ये सब टिकट, और एक मैंने ये टीवी लिया है 40 इंच का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि अबू जा रहे हैं इंडिया, कल जाने वाले हैं। तो आज मैं सामान जो भी मैंने अपने रूम में रख रखा है वो सामान जा रहा हूँ पहुँचाने अबू के रूम पे, उधर ही पैकिंग होगा। तो मैंने क्या क्या सामान लिया आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए अभी। तो ये देख सकते हैं, ये कंबल है, और एक मैंने ये टीवी लिया है 40 इंच का। वैसे तो मैं सेकंड हैंड लिया मैंने। वो यहाँ जो टीवी था वो वाला नहीं है, वो वाला पुराना वाला टीवी का मैंने स्पीकर निकाल लिया, ये देख रहे हो। उसमें से स्पीकर, ये स्टैंड, ये सब निकाल लिया मैं और फेंक दिया। टीवी वो ख़राब था, डिस्प्ले टूट गया था, सही नहीं था। और ये मैंने लिया है मेड इन मलेशिया 40 इंच का फुल HD LED टीवी। तो इसको भी पैकिंग करवा के भेजना है। और ये कुछ कपड़े हैं, जीन्स, ये अबू के लिए जूते लिए हैं मैंने, नए मोजे। इसमें है खजूर, और इसमें है सब चॉकलेट वगैरह है, चॉकलेट बिस्कुट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये चॉकलेट है, ये टॉफी है, बिस्कुट है, सब है, बहुत सारा है। उधर खजूर का एक कार्टून ले लिया मैंने। इसमें भी खजूर है। तो चलो अब इसको पैकिंग करके गाड़ी में रख के ले जाता हूँ, पहुँचा देता हूँ अबू के रूम पर, उधर ही पैकिंग होगा। टीवी 40 इंच का, तब तो यूट्यूब पे थोड़ी देर भी जरूर शुरू किया। बाकी इस वीडियो में आज का भी ब्लॉग रहेगा और कल का भी, क्योंकि कल जाने वाले हैं अबू रात को 1-2 बजे। तो आधा ब्लॉग आज का होगा ये सामान पहुंचाने का, आधा ब्लॉग कल का होगा पैकिंग का और अबू को एयरपोर्ट तक छोड़ने का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, सब आप लोग को कंप्लीट मिलेगा। और ये लिया है मैंने क्यूकर का वाइट ओट, और ये टैंग का ऑरेंज जूस, और एक मैक्रोनी का पैकेट ले लिया। तो देख रहे हो दोस्तों, ये गाड़ी तो इधर ही से भर गया, बाकी उधर अबू के रूम पे से कितना सामान होगा। टीवी आगे रखा मैं, बाकी ये सब। चलो 11 बजे निकलूंगा अब रूम में कुछ नहीं बचा, सब कचरा फैला है, बाकी का सामान मेरे साथ जाएगा, मैं भी बहुत जल्द जाने वाला हूँ। ये अभी जाऊंगा बेचने में, हफ्ते भर में बेचने जाऊंगा वही दरी चोर बाजार में, तो दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी सारा सामान इसके नीचे था, इधर सब खाली हो गया, नीचे का कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों अभी निकल रहा हूँ मैं, 11:17 हो रहा है, अभी मैं निकल रहा हूँ। लेट हो गया थोड़ा, मामू का फोन आ गया था, बात करते करते लेट हो गया, अब निकल रहा हूँ मैं, ये सामान पहुँचा के आना ही है। तो चलो चलते हैं। तो सब पैकिंग चल रहा है अबू का सामान का, ये सब टिकट,
ये पासपोर्ट, रात के हो रहा है 2:15, देख सकते हो। जा रहा हूँ अबू के रूम पे उनको लेकर एयरपोर्ट पे छोड़ने, और मुझे गाड़ी मिला है माजिदा, जो मैडम की गाड़ी है, कई बार आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया हूँ। क्या है, इस गाड़ी का साइड का एक पैनल टूट गया है, तो कल सुबह लेके जाना है सनैया, मतलब मैकेनिक के दुकान पे। तो शाम को बुलाकर मुझे ये गाड़ी दे दी, और मेरा गाड़ी वो मैडम को दे दिए हैं, तो मैं उस समय दिखा नहीं पाया आप लोगों को कि गाड़ी बदल गया है। अभी देख लो, यही है माजदा, कई बार दिखाया हूँ आप लोगों को ये क्लीन करवाते हुए। अब इसी गाड़ी से छोड़ देता हूँ अबू को एयरपोर्ट, सुबह फिर इसको बनवाने जाना है। बनवाने के बाद फिर मेरा गाड़ी वापस मिल जाएगा, मित्सुबिशी आउटलैंडर। तो चलो चलते हैं अबू के रूम पे, सामान वबान तो बंद गया है। मैं आया था सोने के लिए मगर सो नहीं पाया, नींद आ ही नहीं रहा था सोच सोच के कि मैं कब जाऊंगा। तो चलो अबू को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो आ गया मैं, इस बिल्डिंग में रहते हैं अबू, मार्केट में। उधर कॉल राजी बैंक है, इधर इंजाज बैंक है। चलो अब सामान भर कर ले चलते हैं। ये है रूम अबू का। ये सामान पैक हो रहा है, बंद रहा है। तो ये सब सामान पैकिंग हो गया है। याद दिलाना। ये सब सामान पैकिंग है, तैयारी है, अब निकलने वाले हैं हम लोग। ये है हाइल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, यहाँ पे वजन हो रहा है। तो छोड़ दिया हमने, अब जा रहा हूँ रूम पर। गाड़ी इधर खड़ी है, उनके दोस्त भी आए थे। तो 3:06 सुबह का हो रहा है, मैं अबू को छोड़ के जा रहा हूँ। एयरपोर्ट का रोड है, 2 बार छोड़ने आ गया अबू को, अब पता नहीं मुझे लोग कब छोड़ने आएंगे, कब मेरा नसीब होगा। दुआ करो जल्दी हो मेरा भी इंशाल्लाह। चलो अब मैं जा रहा हूँ रूम पे, सो जाऊंगा, सुबह ड्यूटी भी है और गाड़ी को ले जाना है बनवाने भी वर्कशॉप में। मैं अबू पहुंच जाएंगे तभी इस वीडियो को एंड करूंगा, आप लोगों को एंड में बताकर कि पहुंच गए हैं सही से, सामान वगैरह सब लेकर, तभी इस वीडियो को एंड होगा। तो आ गया मैं रूम पे, सुबह का 3:30 रहा है, बाकी का ये सब सामान बच गया था, नहीं जा पाया वजन ज़्यादा होने के कारण, तो रूम पे ला लिया मैं। अभी मैं ले जाने की कोशिश करूँगा अपने साथ बाकी इतना सारा सामान। तो गाड़ी बनके तैयार हो गया, वो जो निकला था फिटिंग हो गया। सारी ऐसे करती है, रोच भी लगा था साइड साइड में, पता नहीं कैसे ठोकी है मैडम ने बैग निकालने में। हाँ तो दोस्तों अबू पहुंच गए हैं सही सलामत बिल्कुल इंडिया में। अब लोग मैं बोला था कि जब पहुंच जाएंगे तब मैं बताकर ही वीडियो को एंड करूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और टीवी जो भेजा था टीवी भी बहुत ही सही सलामत पहुंचा, कैसे टूटा वूटा नहीं है। और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट वाले पुलिस बोल रहे थे कि इसका बिल दिखाओ, बिल दिखाने के बाद फिर इसका टैक्स भरना पड़ेगा।
तो अबू बोले पुराना टीवी है, पुराने टीवी पे कौन सा टैक्स होगा, बिल कहाँ होता है। वो पुराने टीवी खरीद कर दिया मेरे बेटे ने, तो मैं लेकर आया हूँ। तो पुलिस वाले बोले ठीक है चले जाओ जाओ। चलो ये अब वीडियो देखिए टीवी कैसे पहुंचा है इंडिया। और मेरा भी पासपोर्ट मिल गया, अबू ने दे दिया है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपना पासपोर्ट। 5 साल पूरे हो गए, 2017 में पहला ठप्पा लगा था, उसके बाद और कोई ठप्पा नहीं लगा, अब जाने का ही ठप्पा लगेगा उस पे। तो चलो ये पासपोर्ट देखिए आप लोग देख रहे हो दोस्तों। 1 फरवरी 2017 को मैं सऊदी में एंटर किया एंट्री, उसके बाद कोई भी ठप्पा नहीं लगा, न जाने का ना आने का। सिर पे एक बार थप्पा लगा है और उसी में फंसा हुआ हूँ मैं। तो देख लीजिए आप लोगों ने पासपोर्ट 5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं भी बहुत जल्द आने वाला हूँ, दुआ कीजिए मैं भी सही से पहुँच जाऊँ इंडिया और जल्दी पहुँचूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, खुदा हाफिज़।